चार दिशाओं जैसे तुम हो मेरे लिए जरूरी। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है गाइस। जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हैं, कुछ अपन आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे जो कि स्टेट वीडियो जो कैसे एडिटिंग करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लें इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं तो काइनमास्टर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेना है काइनमास्टर। काइनमास्टर ओपन करने के बाद अपन न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और गाइस 916 नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसमें कुछ मैं नया आज आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, अपन इस बैकग्राउंड पे चलते हैं और इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड लेने के बाद क्या करेंगे, इस लेयर पे चलते हैं और थोड़ा सा मैं जूमिंग कर लेता हूँ। तो इस लेयर पे चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं और गाइस आपके मनपसंद कोई सा फोटो चुन लीजिए। अगर आपके मनपसंद किसी की फोटो का आप वीडियो बना सकते हो, ठीक ना। तो मैं डेमो के लिए ये फोटो एक ले रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसे स्लाइड वगैरह करेंगे। तो आपको देख लेना घुमा के, तो आपको साइड में बैकग्राउंड तो नहीं दिखेगा, बस हिसाब से आपको जूमिंग कर लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से अपन इस फोटो को मटकाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इतना फोटो को इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद अपन की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले फोटो को इस तरह से स्लाइड करेंगे इस तरह, ठीक ना। इसके बाद अपन वीडियो को स्किप करेंगे और यहाँ पर प्लस के आइकन क्लिक करेंगे, फिर से इधर की साइड इस तरह से करेंगे और क्या करेंगे, इस थोड़ा सा ऊपर साइड ले जाएंगे। तो जो बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए सफ़ेद वाला अपने, ठीक ना। तो इस तरह से कर देंगे और गाइस फिर अपन इस बीच में लाएंगे इस तरह से और अपन फिर से वीडियो को स्किप करेंगे और इस तरह से रखेंगे। तो देख सकते हो अपना फोटो कुछ इस तरह से मटकेगा, ठीक ना। देख सकते हो कितना मस्त अपना फोटो लगेगा। तो इस तरह से अपन इस फोटो को हिलाएंगे, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, इसे 15 सेकंड का या 30 सेकंड का आपको कर लेना है। 30 सेकंड या 15 सेकंड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन लेयर को अपनी जो बैकग्राउंड है उसी के बराबर कर लेना। करने के बाद क्या करेंगे, इसे हैंड राइटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि लेयर के ऑप्शन पे, और इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट पर क्लिक करने बेसिक इफेक्ट क्लिक करके और अपर ब्लर पे इफेक्ट पर क्लिक कर लेना। ब्लर इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कर लेना और इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाना, इसको 4 या 5 कर देना, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद करेंगे सब लेयर पर चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इससे यहाँ से एक अपन को ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो लेने के बाद अपने इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे और पहले तो फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे, इसे नीचे चलते हैं अपने क्रोमा की का ऑप्शन पर, इसे अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस आएगा अभी, ठीक ना। इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, जो लेयर रहेगा अपना, इसका लेयर भी अपने जो बैकग्राउंड है उसी के बराबर कर लेना है, ठीक ना। इस तरह से दोनों चीज़ का लेयर अपनी वीडियो के बराबर कर लेना है। करने के बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक ना। तो मैं गाइस थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेता हूँ। तो गाइस अपने वीडियो को जो एक्सपोर्ट हो गया है, तो आप क्या करना गाइस, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस तरह से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करेंगे, अपन फिर से जो वीडियो अभी अपन ने क्लिक की थी उस वीडियो पर जाएंगे। वीडियो पर जाने के बाद आपको इसको क्या करना गाइस, जो डिलीट कर देना है ब्लर वगैरह, ठीक ना। इसको डिलीट कर देंगे अपन और इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक ना। इन तीनों चूज को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद क्या करोगे, इस लेयर पे जाओगे और मीडिया ऑप्शन क्लिक करोगे। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो वीडियो अपन ने अभी सिलेक्ट करी थी उस वीडियो को आपको ले लेना है, ठीक ना। ए वाली को, इस वाली वीडियो को लेने के बाद आप क्या करना, स्प्लिट स्क्रीन पे जाना और इसको पहले तो फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद इस तरह छोड़ देना। छोड़ने के बाद क्या करोगे, इस क्रोमा की ऑप्शन पर जाना, इस पर वीडियो क्लिक करके और आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा और इसे अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद क्या करोगे, इसका रोटेट आपको थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है 38% के लगभग, ठीक ना। आप क्या करेंगे, इसे अपन बैक आ जाएंगे, सॉरी अपने ये इधर खींचे। तो अपन फिर से लेयर पर जाते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यही यहाँ से अपने मनपसंद कोई सा फ़ोटो ले लेंगे। तो इस तरह का फ़ोटो भी आप ले सकते हो, चाहो तो अदरवाइज कोई सा दूसरा भी ले सकते हो। तो अपन थ्री डॉट पर जाएंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। सेंड टू बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं फोटो को इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर कर देते हैं, ठीक ना। इस तरह से करने के बाद गए इसके करना, फिर से लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना और यहाँ से क्या करेंगे, इसे अपने इफेक्ट और सॉन्ग वगैरह लगाएंगे। तो गाइस जो कि मैंने पहले से एक इफेक्ट बना रखा था, तो इफेक्ट ले लेते हैं लाइट इफेक्ट, ठीक ना। तो सबसे पहले अपन स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करते हैं और इसका पहले फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाकर और इसका स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो, ठीक ना। आप क्या करेंगे, गाइस फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस मैंने पहले से एक सॉन्ग डाउनलोड कर रखा था, तो एक सॉन्ग अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह सॉन्ग को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो स्किप करना पड़ेगा। स्किप करने के बाद आपको क्या करना, गाइस यहाँ से
आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है, ठीक ना। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद दोनों साइड से स्ट्रास कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद इसका रोटेट आपको फुल कर देना है, ठीक ना, 50 के लगभग कर देना है। 50 करने के बाद आपको इसका यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे, आपको फिर से लैब पे जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसमें एक बॉर्डर PNG लगाएंगे। तो गाइस जो मैंने पहले से एक डाउनलोड कर रखा था, अपने बॉर्डर PNG लेके मैं आपको लगा कर लगा देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह का बॉर्डर PNG ले लेना है। बॉर्डर PNG लेने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर जाएंगे और इसका फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे, इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर कर देंगे इस तरह से, ठीक ना, खींच के जो अपना बैकग्राउंड है उसी के बराबर कर देंगे। तो गाइस अपना वीडियो कुछ कंप्लीट होगा, मैं आपको अब वीडियो चला के दिखा देता हूँ तो अपना वीडियो कुछ किस तरह से एडिटिंग हुआ है। तो गाइस जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया था सेम वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।